Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला ने पार्टी आइन में तब्दीली की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ पार्टी सदर बन सकेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सपहर 3:30 बजे तलब। इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी की हिकमत अमली बनाई जाएगी। बिल आज शाम कौमी असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। बैरूने मुल्क ऑफशोर कंपनियों के कयाम, लंदन फ्लैट्स और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ के बच्चों और दामाद की गैर हाजिरी पर एहतसाब अदालत बरहम। हसन नवाज, हुसैन नवाज और कैप्टन सफदर के नाकाबले जमानत और मरियम नवाज के काबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वजीर आजम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में दाखिला बंद होने पर वजीर दाखिला बरहम। रेंजर्स कमांडर, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी पंजाब को पंजाब हाउस तलब कर लिया। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद की सरजनिश भी की। गिव मी इन राइटिंग, आई वांट दिस इन राइटिंग, आई विल सॉर्ट देम आउट। व्हाट इज दिस योग? दिस इज ब्रेनर रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। एहसन इकबाल का कहना था कि वो कठपुतली वजीर दाखिला बनने के बजाय मुस्ताफी होने को तरजीह देंगे। ये नहीं हो सकता, मातहत इदारे किसी और से हुक्म ले, जिसने ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर खजाना इसाक डार ने एहतसाब अदालत की तरफ से फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। नैब ने अबूरी रेफरेंस दायर किया, हतमी रेफरेंस दायर होने तक ट्रायल रोका जाए, अदालत से इस्तदा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं अगर मीडिया कार्रवाई की निगरानी नहीं कर सकता तो ये ओपन कोर्ट नहीं, अदलिया को मामले का नोटिस लेना चाहिए। अवाम को पैगाम दिया जा रहा है कि इंसाफ नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत में किसी को जाने से नहीं रोका जा सकता, रोकना है तो कार्रवाई को इन कैमरा करार देना होगा। एहसन इकबाल बताएं, रियासत के अंदर रियासत कौन है? मुझे क्यों रोका, मुझे क्यों निकाला की अगली किस्त है? बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी निसार मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार वजीर दाखिला थे। उनके दौर में किसी इदारे ने हुक्म अदूली नहीं की। तर्जुमान साबिक वजीर दाखिला। एमकेएम के बानी के खिलाफ स्टेट बैंक सर्कुलर में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। अरशद वोरा, बाबर गौरी और दीगर भी नामजद। मुकदमा सरफराज मर्चेंट की मुदय्यत में दर्ज किया गया।